साइड इफेक्ट है। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो कुछ प्लानिंग है क्या रोहतक से टिकट विकेट की? सर उड़ता उड़ता मेरे पास भी उड़ता उड़ता आता है। अगर मुझे अप्रोच करते हैं तो देखिए मैं एक ही बात कहूंगी कि हर इंसान अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है, तो हम किसी भी इंसान के काम पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में जितने भी नेता होते हैं, नेता और अभिनेता सर गाली खाने के लिए बने, आप कुछ भी कर लीजिए उनको लास्ट में गाली खाने। नेता इतना काम करता है, इतना काम करता है, पता एक एमएलए लड़ झगड़ कर सड़कें बनवाता है, पता नहीं क्या क्या काम करवाता है, आखिरी में पब्लिक उसको क्या सिला देती है? 5 साल बीत गए कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनको यह नहीं पता कि किस तरीके से उसने बेचारे ने एक सड़क भी किस तरीके से बनवाई। तो मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करने वाली, मैं मेरे काम में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं देखिए मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जो मुझे गाली बकते हैं, जो लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, मैं उन लोगों से भी ज्यादा खुश हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वही तो इंस्पिरेशन है मेरी आगे बढ़ने की। अगर कोई बंदा मुझे पसंद नहीं करता तो शायद मुझे मेरे अंदर कमी देखनी चाहिए कि ये मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा, और मुझे वो चीज सुधारनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए अरे तू मुझे पसंद कर, जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता।